हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की जो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर को मैं साथ साथ प्रोवाइड भी करूँगा एंड इसको सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊँगा, एंड जो आपके लिए आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहला जो हमारा आता है उसका नाम है, इसमें सवाल पूछा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि मृदा के संगठन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी कि सॉइल कंपोजिशन के बारे में पूछा है, सॉइल कंपोजिशन के बारे में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले जो सॉइल्स होता है, सॉइल होता है का जो कंपोजिशन होता है वो मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सॉलिड पार्ट और एक हमारा जो होता है हमारा लिक्विड पार्ट। ठीक है, एक सॉलिड हो गया एंड एक लिक्विड हो गया। सॉलिड में देखा जाए जो, या फिर ये समझिए कि आप, ये हमारा सॉइल कंपोजिशन है, इसको मेनली हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। किस पार्ट में, कितने पार्ट में, चार पार्ट में। एक हमारा होता है सॉइल वाटर, ठीक है, एंड एक हमारा होता है सॉइल एयर, एक हमारा होता है ऑर्गेनिक मैटर, एंड ये हमारा होता है मिनरल। मिनरल 5% पाया जाता है, 45% हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, एंड इसके बाद हमारा सॉइल एयर 25% होता है, ओके, एंड 25% हमारा सॉइल वाटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक मिनट आपको थोड़ा क्लियर समझा देता हूँ। सॉइल वाटर वाटर, ठीक है, ये हमारा होता है 25%। इसके बाद सॉइल एयर की मैं बात करूँ तो ये भी हमारा होता है 25%, ओके। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो हमारा होता है 45%, एंड इसके बाद जो हमारा मिनरल आता है, मिनरल ये हमारा होता है 5%, ओके। तो इतना हमारा पाया जाता है सॉइल कंपोजिशन में, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, अगला दिया है मृदा पीएच का पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभाव के बारे में बताइए। देखिए, जो सॉइल का पीएच होता है, मान लीजिए देखा जाए तो मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं 6.5 पीएच से 7.5 पीएच के मिड में सर्वाइव करते हैं। अभी देखिए, जब 6.5 पीएच से जब कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड, एसिड सॉइल, एंड इसके बाद जब 7 से जब अधिक पीएच हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा, ठीक है, इसको हम एल्कली सॉइल बोलते हैं, ओके, या फिर साल्ट सॉइल हम बोलते हैं, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, जब एसिडिक सॉइल हो जाती है यानी कि 7 से पीएच जब कम हो जाता है तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एसिडिक सॉइल हो जाती है, एंड वही केसेस हमारा जब ऐसा होता है क्षारीय मृदा में भी होता है कि जब 7 से अधिक पीएच जब फेल्ड हो जाता है तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दिया है कि मृदा को परिभाषित करें एवं एक काल्पनिक मृदा पार्श्व का नामक चित्र बनाइए, यानी कि हाइपोथेटिकल थेटिकल है सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताना है आपको। देखिए, मृदा क्या होता है, मृदा कुछ नहीं एक मलबा है, यानी कि जो यदि मैं डिफाइन करूँ इसको तो यह एक हमारा मलबा है जो चट्टानों के अपच्छे, जो चट्टानों के टूटने से मिलकर बनी है, जो चट्टानों के टूटने से बनी है, तो यही हमारी सॉइल है। इसके बाद इसमें दिया गया है हमारा सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम बनाइए। तो सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे सॉइल प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए मेनली 5 पार्ट में डिवाइड है, ओ हॉरिजॉन्टल, ए हॉरिजॉन्टल, बी हॉरिजॉन्टल, सी है, एंड नेक्स्ट जो हमारा होता है सबसे जो नीचे होता है उसको बोलते हैं बेड रॉक, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है सवाल हमारा मृदा निर्माण के कारक क्या है और प्रत्येक को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बहुत सारे कारक है, कारक में हमारा सबसे पहले आ जाएगा विदरिंग, इसके बाद पेरेंट्स मटेरियल, एंड इसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर,
ठीक है। इसके बाद जो भी क्लाइमेट का जो हमारे है जो फैक्टर हैं वो सब हमारे आ जाते हैं। ओके सॉरी आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि चट्टानों के अपक्षय को परिभाषित कीजिए। तो देखिए चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना ही हमारा वेदरिंग कहलाता है। जब चट्टानें छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है और वो सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती है उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। इसके बाद भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर बताइए। रासायनिक अपक्षय का मतलब क्या है, जो वेदरिंग है उसका जो पेरेंट्स मटेरियल चेंजेस हो जाता है। मतलब मान लीजिए पेरेंट्स मटेरियल एसिड था और वो जब वेदरिंग के माध्यम से जब जो सॉइल प्राप्त हुआ, जो सॉइल मिला वो क्या है, उसका पीएच मान 7 तक है, यानी कि वो नॉर्मल सॉइल में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को हम रासायनिक या फिर केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। एंड फिजिकल वेदरिंग ऐसी वेदरिंग है जिसमें जो चट्टाने होती है वो सिर्फ टूटती है, उसमें पेरेंट्स मटेरियल में या फिर उसके अंदर जो भी आंतरिक जो गुण होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अगला देखेंगे। अगला है कि समस्याग्रस्त मृदा से आप क्या समझते हैं। देखिए समस्याग्रस्त मृदा ऐसी मृदाएं हैं जिनमें कोई दोष पाया जाता है। दोष का मतलब क्या है कि मान लीजिए सॉइल जो है एसिडिक हो गई, यानी कि अम्लीय हो गई, या फिर साल्ट उसमें ज़्यादा हो गया, या फिर सॉइल्स में इरोशन हो गया, सॉइल इरोशन हो गया, ठीक है। तो ये सब समस्याग्रस्त मृदाएं कहलाएंगी। ओके समझ गए होंगे आई होप। अगला देखते हैं। अगला है धनाय विनिमय क्षमता के बारे में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम समय लगातार सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम केशन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं मृदा के विभिन्न गुणों का लिखिए। मृदा के क्या क्या गुण है जो आपके बुक में बहुत ही विस्तार से दिया गया है कि उसके फिजिकल गुण क्या है, ठीक है, फिजिकल ऑर्डर क्या है। सॉरी इसमें गढ़ों के बारे में दिया है, गढ़ के बारे में पूछा है, ठीक है, गुणों के बारे में नहीं पूछा है, गढ़ों के बारे में पूछा है। तो सॉइल्स को मिली 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 7 वो तो ऑर्डर में तब्दील किया गया है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अगला आता है पांचवे का, नेक्स्ट पूछा है चट्टानों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। चट्टाने ऐसे पेरेंट सॉइल्स होती है, ठीक है, ऐसे पेरेंट सॉइल्स होती है जो कि देखा जाए जो कि कई हज़ार सालों से, ठीक है, कई हज़ार सालों से उनमें वेदरिंग नहीं हुई होती है। तो ऐसी जो सॉइल्स होते हैं वो चट्टाने कहलाती है, यानी कि ऐसे सॉइल्स जो कई हज़ार साल पहले कहीं पर है और वो क्या है, जकड़ उठा है, यानी कि जकड़ का मतलब क्या है कि वो ठोस हो गई है, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलेंगे हम चट्टाने बोलेंगे। चट्टाने को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे हमारा एक आता है इग्नियस रॉक, एक आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, एक हमारा आता है मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होते हैं जो लावा से मिलकर बनी हुई होती है, एंड उसके बाद जो प्राप्त होता है मलबा, ठीक है, जो अग्नियस जो रॉक्स होती है उसका जो मलबा प्राप्त होता है उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, एंड सबसे जो ऊपर वाला जो चट्टान होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोटिक रॉक्स। ओके अगला आता है मृदा कोलाइडल। मृदा कोलाइडल का मतलब ये समझ लीजिए कि मृदा का चिपचिपापन। मृदा कोलाइडल कहलाता है। ओके एग्जांपल के लिए आप ह्यूमस को पकड़ लीजिए, ह्यूमस में भी कोलाइडल गुण पाया जाता है। ओके एग्जांपल के लिए इसमें। अगला देखते हैं चूना युक्त पदार्थ क्या है। चूना युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चूना यानी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स, तो ये हमारा चूना युक्त पदार्थ है एक। अगला आता है मृदा प्रदूषण को बताइए। मृदा में
मृदा में कोई अवांछित परिवर्तन, जिससे क्या है कि वो अनुपयुक्त हो जाए। अनुपयुक्त का मतलब क्या है, वो खेती करने युक्त ना रहे, तो उसी को बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। आगे देखते हैं मृदा गाढ़ता क्या है। मृदा गाढ़ता क्या है, इसके प्रकारों को भी लिखिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला आता है, इसमें दिया है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फ्लो के बारे में अंतर बताना है। सैचुरेटेड फ्लो ऐसे फ्लो होते हैं जो कि सीधे बहते हैं। सीधे का मतलब क्या है कि ये हमारा समझ लीजिए नदी है या फिर हमारा खेत है। खेत में जब जो पानी होता है वो जब सीधे बहता है तो उसी को सैचुरेटेड फ्लो बोलते हैं, एंड जब वो पानी इधर उधर जब जाता है, ठीक है, इधर उधर, तो उसी को अनसैचुरेटेड फ्लो बोलते हैं। चलिए अगला दिया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे हमारा ह्यूमस के मृतिक खनिज यानी कि वन अनुपाते वन प्रकार के मृतिका खनिज, ठीक है। इसके बाद ह्यूमस के बारे में दिया है, वर्टिसोल की विशेषताएं बताना है, प्राथमिक खनिज क्या आता है एंड सॉइल एयर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूछा है, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।